हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मुझे आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप चौरठ बेसन और सूजी से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में जैसे कि प्याज, मिर्च और लहसुन है, टमाटर है और बेसन, सूजी और थोड़ा सा चौरठ है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने बोरो लिया है, आलू को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैगन लिया है और उसके बाद से चौरठ, बेसन और सूजी को जो है डाल लिया, फिर प्याज और मिर्च को भी डाल लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टमाटर को भी डाल लिया और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतलब आई होप कि ये जो रेसिपी है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये जो रेसिपी है आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिक्स मसाला ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप यहाँ पे एक चुटकी जो है यहाँ पे हींग भी ले सकते हैं, लिटरली हींग, और इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो है आधा छोटा चम्मच स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं। और हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, सूखे हाथों से इसको मैश करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम अपने हल्के हाथों से इसको मैश करेंगे। और मसाले में जैसे जैसे मैश होते जाएंगे वैसे वैसे जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी, देख सकते हैं जैसे कि, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इसी तरीके से हमें मैश कर लेना है। मैश करने के बाद देख सकते हैं बिना पानी के बिल्कुल परफेक्ट जो है वो एक जैसे ऐसे हमें मैश करना है, चेक कर लेना है मैश करके कि वो मुट्ठी में बंध रहे या नहीं। अगर मुट्ठी में अच्छे से बंध रहा है और अच्छे तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको दिखाई दे रही है कि अच्छे तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट हो चुकी है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जैसे कि इसको भी हम अच्छे से मैश करेंगे जितना भी हो सके हल्के हाथों से। उसके बाद मैश करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर कढ़ाई गर्म करेंगे और थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मन चाहे पीसेस में पकौड़ों को शेप देके अच्छे से एक बार तेल में तल लेंगे और जब एक साइड से फ्राई हो जाएगा तब दूसरी साइड भी फ्राई करेंगे, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक साइड से हमारा जो हमारा पकौड़ी है वो फ्राई हो जाए तो यहाँ पे दूसरे साइड भी पकौड़ी को जो है फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम लाल हो चुका है, तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी उलट पलट करके लाल कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे इस चीज़ को जो हमारा पकौड़ी है उसको, और उसके बाद क्या करेंगे कि सीधा हम सर्व करके खाते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो सीधा सर्व करके दिखाते हैं, तो देख सकते हैं कुछ ये रही हमारी सर्विंग। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।